अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से मिल रही है, जहां पर हाई कोर्ट में ओबीसी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का अब इंतजार है। हाई कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अनुमति के बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। तो बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर हाई कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल हुई है और निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का अब इंतजार है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अनुमति के बाद आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। बता दें कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का इंतजार है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है हाईकोर्ट में दाखिल हुई है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबर है? हाँ देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी भी मिल गई है, लंबे समय से लगातार जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश को के लोगों को इंतजार था और लगातार जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर हरी झंडी मिल गई है और अनुमति मिलने के बाद जो आरक्षण की सूची की जाएगी, जारी की जाएगी और संभावना है कि अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव संभव कराए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर हाई कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल की गई है। निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का अब इंतजार है और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और बता दें कि अनुमति के बाद में आरक्षण की सूची जो है जारी की जाएगी। अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना और उत्तर प्रदेश में लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार है और ओबीसी आरक्षण के मसले पर सरकार का पेंच फंसा हुआ है और देखना होगा कि हाई कोर्ट में जो आयोग की रिपोर्ट दाखिल की गई है उस पर किस प्रकार से सुनवाई होगी, क्योंकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी।